नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में डालीगंज पुल से गोमती नदी में छलांग लगाने जा रही नाबालिग युवती को पत्रकार आरिफ रिजवी ने जान बचाई, पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद जनता ने पत्रकार की तारीफ की। लखनऊ में विभूतिकरण थाने के कमता तिराहे पर बस चालकों से अवैध वसूली करने वाले 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभूतिकरण थाने में FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। कानपुर के पनकी थाना इलाके में दारोगा ने पत्रकार की गाड़ी का चालान कर दिया तो पत्रकार की रिपोर्टिंग पर दारोगा की बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म और हूटर लगी गाड़ी को ACP ने सीज कर दिया। सुल्तानपुर में मुदगरपुर ब्लॉक के ढेमा गांव में ग्रामीणों ने कोटेदार पति मोनू उपाध्याय के खिलाफ DM कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और कोटा निरस्त करने की मांग की। अमेठी में जिलाधिकारी निशानंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के लिए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमेठी में मुसाफिर खाना के निजामुद्दीनपुर चौराहे पर कांग्रेस नेता संजय गुप्ता और कार्यकर्ताओं ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक काटा और एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। अयोध्या में कोटा परचा स्थित टाटशाह मस्जिद के पास जाकिर फुटवेयर सेंटर ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक ऑफर शुरू किया जिसमें चप्पलों को आधे दाम पर बेचा जा रहा है। अयोध्या में शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के पास ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर स्वर्गीय रामभरण सिंह सेवा संस्थान और दिशांत ट्रांसपोर्ट ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में तरबूज, आम का पना, खरबूजा और पूरी सब्जी का वितरण किया गया। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव 2024 के हारने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संकल्पों की सराहना की। जौनपुर में किराकत तहसील के गांव हरिकन पट्टी में SDM सुनील कुमार और राजस्व कर्मियों ने पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जौनपुर के खंड विकास कार्यालय किराकत में जिला विकास अधिकारी विजय यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन की मंशा के अनुरूप कराए जा रहे विकास कार्यों की फाइलों का निरीक्षण करते हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जौनपुर के चंदौक में अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट ने महिलाओं और बच्चियों के लिए 30 दिनों की ब्यूटी पार्लर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ SDM सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामपुर में कांग्रेस नेताओं ने शौकत अली रोड स्थित कैंप कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। रामपुर में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने संचालित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जिसमें कृषि और उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। रामपुर में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि 6 जुलाई को तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। रामपुर में युवा भाजपा नेता फसाहत अली खान सानू ने बिजली समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से उनके कार्यालय पर पहुंचकर मुलाकात की और बिजली समस्या के बारे में अवगत कराया। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook के माध्यम से जुड़े तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।